नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि हम अपने घर में वास्तु के अनुसार अपने पूर्वजों की फोटो किस दिशा में लगाएं। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह हमेशा ख्याल आता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनकी फोटो को हम घर के किस दिशा में लगाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर शास्त्रों की मत माने, अपने घर में अपने पूर्वजों की फ़ोटो, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनकी फ़ोटो रखना ही नहीं चाहिए, उनकी फ़ोटो कहीं लगाना ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप लगाने की उत्सुक हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको तर्क दे दूं कि क्यों पूर्वजों की फ़ोटो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, हमारे सत्य सनातन संस्कृति में, हमारे वैदिक ज्योतिष में और हमारे सनातन धर्म में जब भी इसका वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति जब प्राण त्यागता है तो किसी किसी योनि में जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। अब वह किस योनि में उत्पत्ति होती है उसकी, हमको और आपको नहीं पता है। उसको मोक्ष मिल गया है या वो किसी योनि में है। तो जब वह व्यक्ति किसी योनि में जन्म लेता है और जब हम उसकी तस्वीर को अपने घर में लगाकर पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ना व्यक्ति उस योनि में प्रसन्न रह पाता है, ना यहाँ पर आके यहाँ व्यक्तियों को प्रसन्न रहने देता है। कहीं ना कहीं एक इसका ये तर्क है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ तो दोस्तों, जैसे कि आपके घर में अगर एक बेटी है, उस बेटी की विदाई कर दी जाए, उस बेटी की शादी कर दी जाए, वह अपने ससुराल में जाए और मायके से उसको फ़ोन करके बाकायदा दिन रात उससे बात किया जाए, तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ना बेटी का मन ससुराल में लगेगा, ना उसका मन मायके में लगेगा। मायके वाले भी खुश नहीं रहेंगे और ससुराल वाले भी खुश नहीं रहेंगे। कहने के तात्पर्य दोनों तरफ से वह कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा करता है। इसलिए हमारे हिसाब से पूर्वजों की फ़ोटो, जो पितृ की फ़ोटो है, जो व्यक्ति मोहवश अपने घर में रखते हैं, वो रखना उचित नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि आप रखते हैं तो उसका रखने की जो सही दिशा होती है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जिस दिशा में आपके घर में अलाइव लोग, जो भी सामने हैं, जो जीवित लोग हैं, उनकी फ़ोटो लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।